कोई भी 250 लुट गए हम तो पहली मुलाकात। सच में मैं लुट गई यार, एकदम लूट मचे पड़ी है बांद्रा हिल रोड पर। तो आप लोग आगे व्लॉग देखो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप लवर सेजल। आई होप यू फाइंडिंग दिस वीडियो एट द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। फाइनली आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। बहुत बहुत दिन हो गए मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं किए है। शॉपिंग मैंने किया है, काफी सारे शॉपिंग मैंने शादी के बाद बहुत शॉपिंग किए हैं, बट वो मॉल में जाके ब्रांड्स के कपड़े लेना ये सारे शॉपिंग मैंने किए हैं। बट वो जो लोकल शॉपिंग होती है, स्ट्रीट शॉपिंग होती है, उसका मजा ही अलग होता है। उसके पैसे इतने कम होते हैं, क्वालिटी अच्छे मिल जाते हैं, सो वो अलग टाइप की खुशी होती है। तो मुझे वो खुशी चाहिए थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं जाऊंगी बांद्रा लिंकिंग रोड, विच इज फेमस स्ट्रीट शॉपिंग इन मुंबई। बांद्रा लिंकिंग रोड हो गया, हिल रोड हो गया, इरला मार्केट शॉपिंग हो गया जो विले पार्ली में आई थिंक, एंड फैशन स्ट्रीट हो गया जो CST में है। तो मैं बांद्रा लिंकिंग रोड जा रही हूँ बिकॉज मेरे घर से आई थिंक थोड़ा सा पास में है वो, एंड शॉप लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने तो सोचा मैं पैंट्स लूँगी, टॉप्स लूँगी, फिर ज्वेलरी अगर कुछ अच्छा मिल जाता तो लूँगी। वैसे आई एम नॉट बिग ज्वेलरी पर्सन, लाइक आई एम नॉट बिग फैन ऑफ ज्वेलरी। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे बांद्रा जाकर आई थिंक ऑलमोस्ट 4 to 5 years हो गया है समथिंग। आई डोंट इवन रिमेंबर मैं लास्ट टाइम कब बांद्रा गई थी। आई थिंक 4 years तो ईजिली हो गया है। मैं चेक करूंगी, यूट्यूब वीडियो मैंने डेफिनेटली डाला था। बहुत साल हो गए, आई डोंट नो कैसे चेंज हुआ है वो, बिकॉज काफ़ी लोग गए हैं, लाइक मेरी फ्रेंड गई थी तो वो भी बोलती कि काफ़ी चेंज हुआ है वो स्ट्रीट, थोड़ा अलग उन्होंने किया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, बिकॉज ऑल माई कॉलेज टाइम मैं वहीं जाती थी शॉपिंग करने के लिए। उधर बहुत अफोर्डेबल मिल जाता है इसके वजह से। सनशाइन अभी जिम गए हैं तो वो जब आएंगे तो डेफिनेटली आई थिंक वो आ जाएंगे और मुझे लेट होगा आने के लिए। सो लेट्स सी कैसे जाता है आज का दिन, बिकॉज मुझे ऑलरेडी लेट हो गया। इट्स 5:30 ऑलरेडी, मुझे 4 बजे ही निकलना था, बट टाइम टू गो। अगर आप प्लान कर रहे हो लिंकिंग रोड, हिल रोड, फैशन स्ट्रीट, कहीं पर भी शॉपिंग के लिए जाने के लिए मुंबई में स्पेशली, तो आप अपनी पर्सनल कार से मत जाइए। आप ओला ले लो, ऑटो ले लो, टैक्सी ले लो, बट अपनी कार से मत जाओ बिकॉज पार्किंग नहीं मिलेगी आपको। मेरे घर से 18 किलोमीटर दूर है बांद्रा हिल रोड। चाहे कितनी भी दूर हो, अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम पहुंच ही जाते हैं। ओह माय गॉड, कितने सालों बाद आ रही हूं मैं। क्या प्राइस अंकल? 250 का सेल है। 250? क्या प्राइस है भैया? कौन सा? उतरते ही एकदम शॉपिंग में जुट गई मैं। कोई भी 250 यहां पे। अच्छा, और कहां पे? कहां सब वाला बाकी ऊपर से वाला है। अच्छा, वो पिंक वाली? या या 800 कितने में? So these four I have taken. It is priced at 200 rupees. ये वाला मुझे बहुत क्यूट लगा, this is for 800. Let's see, अभी बात करके ऐसी। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, दैट यू रियली हैव टू हैव गुड बार्गेनिंग स्किल्स। ये मैंने लिया है 200 rupees में। बहुत अच्छी स्टोर है गाइज, यू मस्ट विजिट। ये व्हाइट वाली कैसे लगा? बार्गेनिंग एकदम अच्छे से करने के बाद, बहुत सारे पर्सेस खरीदने के बाद मैं बढ़ गई आगे और मैंने देखा एक शॉप पर काफ़ी सारे बेल्ट्स मिल रहे थे, आजकल बहुत ट्रेंड में है वेस्ट बेल्ट, बहुत ही अमेजिंग। सो यहाँ पर आपको 250-350 से स्टार्टिंग मिल जाएगा, तो आप चेकआउट करो, इनके कलेक्शन काफ़ी कूल हैं। वैसे कौन कौन मुंबई से है कॉमेंट करके बताना, और आप हिल रोड गए हो कि नहीं वो भी बताना। सो यस, आप देख सकते हो कितनी कूल कूल बेल्ट्स इन्होंने रखा हुआ है, स्पेशली दिस गोल्डन वन, एंड उसके बाद एक ब्लैक कलर का कलेक्शन इनका है जो कि काफ़ी अच्छा है। ये लोग प्राइजेस ज़्यादा बोलते हैं, बट येस डेफिनेटली आप उनसे बात करके कम प्राइजेस कर सकते हो। एकदम ज़्यादा भी कम मत करवाओ और आप भी ज़्यादा पैसा देकर मत आओ। सो डोंट फूल योर सेल्फ, डोंट वेस्ट योर मनी, और उनको भी कमाने का मौका दे दो यार। और जब भी आप प्लान कर रहे हो हिल रोड वगैरह जाने के लिए, तो एकदम अच्छे से टाइम निकाल कर जाओ, लेट मत जाना। 1-2 बजे तक पहुंच जाओ आराम से, 5-4 बजे तक आपकी शॉपिंग हो जाएगी, बट लेकिन टाइम निकाल कर जाओ। ये नहीं कि एकदम हरी हरी में आप जा रहे हो कि ये भी लेना है वो भी लेना है, बिकॉज ये मार्केट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी वैरायटीज़ लोग रखते हैं, तो इत्मीनान से सब चीज़ें अच्छे से देख कर ट्राई करके तो ही लो। बेल्ट के दुकान से हट कर मैं फिर से स्ट्रीट वेंडर के पास आ गई। ये वाले 400 और ये दिस इज विद पैंट। कितने अमेजिंग नाइट सूट्स इन्होंने रखे थे सिर्फ 400 रुपये में। अगर आप कैलकुलेट करो तो 200 का टॉप हो जाता है, 200 का पैंट हो जाता है। काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल था, स्ट्रेची स्ट्रेचेबल मटेरियल है। यहाँ से मैंने 4 सेट लिए, आप मुझे वीडियो से पहनते हुए देखे भी रहोगे, बट एक चीज़ मेक श्योर करना कि जब भी आप लो तो इसकी स्टिचिंग वगैरह अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद एक स्टॉल था चश्मों का, सिर्फ 200 रुपये में।
₹200 में अब आप क्या ही लोगे, इतने फंकी फंकी सनग्लासेस थे, अगर आप इसे 3-4 बार भी पहनते हो तो आपके पैसा वसूल हो जाता है। आपके खुद के आउटफिट को जाजब करने के लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। आजकल तो कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स को मैं देखती हूँ अपने आउटफिट्स के साथ ऐसे फंकी ग्लासेस वेयर करते हैं, सो आई थिंक वीडियोज में ही ज्यादा काम आता है। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर्स हो यू कैन गो एंड बाय फॉर श्योर। अब तक मैंने काफी सारी चीजें खरीद लिए थे। आपका शॉप का नाम क्या है? टच मी। अरे छू देंगे तो गंदा ना हो जाए। ये मैंने लिया था एंड दिस इज फॉर 300, वो 200 का है, बहुत ही अच्छा। वो शॉर्ट्स कितने में? 200। हाँ कम में दे देना अगर कोई आया तो। यूट्यूब पर डाल रहे हो? हाँ। क्या नाम है? मेकअप लवर सेजल। क्या? मेकअप लवर सेजल, देखना ठीक है। सो मैंने ये पैंट लिया। ये इसका क्या प्राइस है? काफी दुकानों में तो उन्होंने अपने प्राइजेस को फिक्स्ड कर दिए हैं। कम नहीं करेंगे? और फिक्स प्राइस ठीक भी है ताकि आपको भी ज़्यादा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है और उनको भी ज़्यादा झिकझिक करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये भी फील नहीं होगा कि आपसे उन्होंने ज़्यादा पैसे ले लिया या फिर उनको ये ना लगे कि हमने उनको कम पैसे दे दिया। सो आप समझ सकते हो राइट। वैसे इनका कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी सारे क्रॉप टॉप्स, निटेड पैटर्न क्रॉप टॉप भी रखे थे, हॉल्टर नेक टॉप्स। तो मैंने यहाँ से भी काफ़ी जैसे 300 ये सब 300 सब ऊपर का नहीं यार, इतना अच्छा भी नहीं लग रहा। टी शर्ट्स वगैरह भी रखे थे और काफ़ी सारी वैरायटी था। एक छोटे से दुकान में इतना सारा पीसेज ये लोग रखते हैं तो काफ़ी अच्छा, आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। दिखाओ। ये सारे टॉप्स मैंने 300 में लिए हैं। वन इज दिस 300 मतलब बेसिक टीज है, बहुत अच्छा फॉर डेली वेयर। दिस इज फॉर 350 एंड ये भी 300। दिस इज ऑल्सो फॉर 300। आई लाइक दिस हॉल्टर नेक, बहुत ही प्रिटी है और कलर बहुत प्यारा है इसके लिए। भाई ये अलग मटेरियल है क्या? ये कितने में? 250। और ये छोटी वाली पॉकेट 150। फिर जैसे ही लगा कि मैंने काफी सारी शॉपिंग कर ली तो मुझे भूख लग गई। शॉपिंग के बीच में खुद को हाइड्रेट करना भी जरूरी है। जूस पीने के बाद ऑपोजिट में काफी अच्छे स्टोर्स भी थे तो वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पैंट्स वगैरह मिल रहे थे। सो इट्स अ शॉप, मैं ये जीन्स ट्राई कर रही हूँ, सिर्फ 1200 समथिंग ऐसा प्राइस है। एक स्टोर था खोदा करके, वहां से मैंने ये ट्रैक सूट 3500 का था और ये पैंट मैंने 1800 समथिंग का लिया था, काफी अच्छा क्वालिटी है। उसके बाद मैं आगे वाले लेन पर चली गई जहाँ पर एक रौनक करके स्टोर है। स्टोर के बाहर वो लोग कफ्तान्स के स्टॉल लगाए होते हैं जो कि 370-350 से स्टार्टिंग है। तो मैंने सोचा चलो आपको सिर्फ एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ, बट उसके बाद मैं स्टोर के अंदर जाके कितनी सारी शॉपिंग किया मैंने। सो आगे आप लोग देखते रहो। कफ्तान के क्या प्राइस है? 795 से स्टार्ट है, 495 795। ये 90s है? 90s है, 90s है। कफ्तान का भी ट्राई, ये अच्छी लग रही है। ट्राई करो, अच्छी चीज़ है ट्राई। इसमें साटिन है, कोजन साटिन पे है। ये आपको आएगा 1195 के। आप डेफिनेटली ये स्टोर विजिट करो, रौनक नाम है इनका। अगर आपको एकदम हैवी सूट्स वगैरह चाहिए, किसी को गिफ्ट करना है, 5500 समथिंग ऐसा था। मैंने 3 सूट्स लिए तो मुझे 15000 समथिंग कैसे कुछ पड़ा, बट इतने प्यारे प्यारे सूट्स इन्होंने रखे हैं। ये सब ड्रेस मटेरियल है, स्टिच नहीं है। आप जाके डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। कफ्तान्स काफ़ी सारे यहाँ पर है, मैं कभी वेयर नहीं की थी तो इसके लिए मैं सोची थी ले लूँ या नहीं ले लूँ, बट मैंने नहीं लिया बिकॉज आई वॉज वेरी डाउटफुल। सो येस, जो राइट में स्टोर है वो उनका स्टोर है, लेफ्ट में जिधर मैनिक्विंस खड़े हैं इतने प्यारे प्यारे इन्होंने सूट्स बाहर ही लगाए थे। एक्सपेंसिव है, येस टू बी ऑनेस्ट दीज आर एक्सपेंसिव, बट दे लुक सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। ऐसे ड्रेसेस मैंने लाइक कहीं नहीं देखे। अगर आप कोई भी स्टोर का नेम सजेस्ट करना चाहते हो प्लीज मुझे करो। ये 5995 और मेरे पास स्टिचिंग भी है, आपको टेलर की चीज़ को मैं स्टिच भी कर देता हूँ अकॉर्डिंग और मेजरमेंट। दिस इज 5495 विथ लाइनिंग एवरीथिंग, यू विल गेट स्टिच। इसको फुल दिखाना दो। अब पैर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे हैं तो वी थॉट ऑफ हैविंग समथिंग हियर। और मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस लिए
जो कि काफी अच्छे मिले। एक इसको दी ना, ये मैंने ऐसे भुर्जी बना दिया इसका, ये सॉरी यहाँ थोड़ा सा मुड़ गया ये मुझसे, कह रहे मुड़ गया चलेगा है ना। लेकिन शॉपिंग की इतनी एक्साइटमेंट थी कि पहले स्टार्टिंग में भूख नहीं लगी, बट जैसे ही शॉपिंग होते गया ढेर सारी चीज़ें खरीदते गए, फिर भूख भी वैसे ही बढ़ता गया। तो उसके बाद हमने चाट खाए, पाव भाजी खाए, स्टॉल से वहाँ पर पानी पूरी लिए, इतनी सारी चीज़ें एक साथ फिर हमने एकदम से अपने पेट में भर लिया। और कितना अमेजिंग मज़ेदार फूड ये लोग देते हैं, बहुत ही अच्छा है। आप हिल रोड एंटर करोगे, कोई भी ऑटो ले लो, उनको बोल दो हिल रोड, तो वो लोग लाकर आपको यहीं ड्रॉप कर देंगे। पूरा एक लेन होता है, हर एक शॉप विजिट करो, पर्टिकुलर शॉप में मत जाओ। सच बोलो तो पानीपुरी मत खाना, बहुत एक्सपेंसिव, महंगा भी है और बिल्कुल टेस्टी नहीं। वेरी टायर्ड मैन, टू टायर्ड, चलो घर चलना जल्दी। ढेर सारी शॉपिंग हो गया, नाउ वी गोइंग होम, इट्स वेरी लेट इन द नाइट, 9:40 समथिंग हो रहा है, लेट्स गो। तो बहुत ज्यादा हैप्पी हूं बिकॉज़ आई हैव टेकन लॉट ऑफ स्टफ बहुत दिनों के बाद। लाइक स्ट्रीट शॉपिंग तो ढेर सारी की हमने, उसके बाद थोड़े से शॉप्स में भी चलेगा, अच्छे कुछ कुछ चीजें वहां से भी लिया, मैं दिखाऊंगी आपको आगे व्लॉग्स वगैरह में। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, वी आर वेरी क्लोज टू 3 लाख सब्सक्राइबर्स। आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या खरीदा है, सो यू हैव टू वेट फॉर द होल वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय। हेलो बाबी, हेलो बाबी, हेलो बाबी, ओरियो ओरियो, हां।